दोस्तों, द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑप्शंस फॉर पीएफ विड्रॉल। किस ऑप्शन से हम कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं और एम्प्लॉयर शेयर का हम पैसा किस ऑप्शन से सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस फॉर ग्रेटर देन 2 मंथ्स। मतलब कि जब 2 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, वेज नहीं मिलता, किसी वजह से फैक्ट्री बंद है या कुछ भी हो जाता है, तो इसमें हम क्लेम कर सकते हैं अपना एम्प्लॉय शेयर जो होता है हमारा पूरा, उसमें हम टोटल विद इंटरेस्ट जो है हम अपना एम्प्लॉय शेयर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और इसको जो है क्लेम एक या एक से भी ज़्यादा बार हम कर सकते हैं। और दूसरा हमारा आता है नेचुरल कैलेमिटीज़। और जो इसमें जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ में जो है हमारा एम्प्लॉय का शेयर हमको मिलता है, इसमें 3 मंथ बेसिक प्लस DA, मतलब कि 3 मंथ बेसिक प्लस DA और 75% हमारे एम्प्लॉय शेयर का, मतलब कि जो कर्मचारी वाला अंश है उसका 3 मंथ का बेसिक प्लस DA या फिर 75% अंश कर्मचारी अंश में ब्याज, इनमें से जो भी कम होगा वो हमको मिलेगा। और तीसरा आता है हमारा इलनेस, इसमें भी हमारा सेम ही रूल है, लेकिन इलनेस जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है इस तरह की कि हम कितनी बार निकाल सकते हैं और कितनी बार नहीं निकाल सकते। इसमें हमारा 1 मंथ में हम एक बार निकाल सकते हैं, मतलब कि मान लो हमको 4 बार निकालना है तो हमको 4 महीने में निकालना पड़ेगा। इसमें जो है नियम जो है हमारा इलनेस का है 3 मंथ बेसिक प्लस DA और 75% हमारा कर्मचारी अंश, जो भी इन दोनों में से कम हो, मतलब कि कर्मचारी अंश का ही पैसा हम जो है इलनेस वाले ऑप्शन से निकाल सकते हैं। और चौथा आता है हमारा पावर कट। जैसे कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से ये ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो है हमारा इसमें भी हमारा 3 मंथ बेसिक प्लस DA का ऑप्शन दिया गया है, जो भी इसमें कम हो कर्मचारी अंश का ही निकाल सकते हैं। ये चारों जो ऑप्शन है हमारे, इसमें हम केवल कर्मचारी अंश का ही पैसा निकाल सकते हैं। और आगे है हमारा 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट होने के 1 साल पहले, मतलब कि 59 ईयर की एज पर ये वाला ऑप्शन हमारा खुल जाता है। उससे पहले जो है ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं खुलता उसमें पीएफ विड्रॉल में। तो इसमें जो है हमारा टोटल, मान लो हमारा 1 लाख रुपये हमारे पीएफ अकाउंट में है विद एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर, मतलब कि नियोक्ता और कर्मचारी का दोनों का अंश मिलाकर के हमारा 1 लाख रुपया है, उसका हम 90% जो है 59 साल की एज होने पर निकाल सकते हैं, मतलब कि 90,000 रुपये हम अपना इसमें क्लेम कर सकते हैं। और हमारा छठा आता है हमारा मैरिज। मैरिज वाला ऑप्शन जो है इसमें एक शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए नौकरी करते करते, तभी हमारा ऑप्शन मिलने वाला है पीएफ निकालने के लिए। इसमें जो है हमारा कर्मचारी का जो अंश होता है उसका 50% प्लस इंटरेस्ट मिलता है, और ये हमारा जो ऑप्शन है केवल एक ही बार हमें मिल पाता है इसमें मैरिज में। हम जैसे अपनी खुद की शादी, भाई बहन की शादी में के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और सातवां हमारा ऑप्शन आता है हमारा हायर एजुकेशन, इसमें भी जो है हमारा 50% एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं, वो भी मैं ब्याज सहित, मतलब कि इंटरेस्ट सहित जो है हम अपना एम्प्लॉय का शेयर निकाल सकते हैं 50%। वो ये हमारा ऑप्शन हमारा मिलता है, हमारा 3 बार हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगला आता है हमारा परचेज ऑफ हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट, मतलब कि जो जो विकलांग वगैरह होते हैं उनको कुछ अपना सामान लेना होता है, जैसे व्हीलचेयर वगैरह हो गई इस तरीके से, तो उसमें जो है हमारा जो है ऑप्शन मिलता है 6 मंथ बेसिक प्लस, ये देखिए 6 मंथ बेसिक प्लस DA और जो है हमारा होता है उसमें एम्प्लॉय का शेयर होता है पूरा विद इंटरेस्ट। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, मतलब कि किसी को व्हील चेयर लेनी है तो वो इनमें से तीनों में से जो भी कम होगा वो वाला हमको इसमें से पैसा मिलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 6 मंथ बेसिक प्लस DA या कर्मचारी का अपना पूरा अंश में ब्याज, या तीसरा जो इक्विपमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो ही हमको पैसा मिलेगा।
और हमारा अगला ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर, परचेज ऑफ डेलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम अ प्रोमोटर। जी हाँ, एक तो ये ऑप्शन हो गया, और दसवा हमारा आता है परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेलिंग हाउस, और ग्यारहवा आता है हमारा परचेज ऑफ हाउस फ्लैश फ्लैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ साइट फॉर एजेंसी। ये हमारे तीन ऑप्शन, और ये कि हमारा चौथा ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ये हमारे जो चार ऑप्शन है, ये हमारे चार ऑप्शन सेम ही है। इसमें जो है हमारा 36 मंथ बेसिक प्लस डीए, और हमारा टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर जो भी कम हो वो मिल जाता है। मतलब कि जो हमारा 36 मंथ का बेसिक प्लस डीए है वो, और जो हमारा टोटल बैलेंस है, मतलब कि जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही अंश है टोटल में ब्याज, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मिल जाता है। ये हमारा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपना नियोक्ता वाला जो है अंश निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए, इसी से हम अपना नियोक्ता वाला अंश निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिससे हम अपना नियोक्ता वाला अंश निकाल सकते हैं। एक इससे पहले था 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। जी हाँ, एक ये था हमारा 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। इसमें भी टोटल जो शेयर था हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, उसमें हम 90% निकाल सकते थे। आगे आता है हमारा एडिशनल अल्ट्रेशन ऑफ हाउस। जी हाँ, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला था उसमें मिनिमम जो है 5 ईयर्स की सर्विस चाहिए, 5 साल की सर्विस से पहले हम वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। और जो एडिशनल अल्ट्रेशन वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें भी 5 साल जो हो जाने चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाले ऑप्शन के बाद। मतलब कि जैसे हमने 2022 में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए निकाला है, तो हम अगले साल नहीं निकाल सकते एडिशनल अल्टरेशन ऑफ हाउस के लिए, बल्कि हमें 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब कि 2027 में जाकर के हम एडिशनल अल्टरेशन ऑफ हाउस के लिए जो है अपना विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें जो है हमारा 12 मंथ बेसिक प्लस डीए और एम्प्लॉय शेयर जो भी कम हो, मतलब कि जो हमारा जो कर्मचारी वाला आंसर है, इसमें केवल कर्मचारी वाला एम्प्लॉय शेयर का ही पैसा हम निकाल सकते हैं। मतलब कि 12 12 महीने का बेसिक प्लस डीए या और कर्मचारी का अंश में ब्याज, जो भी इनमें से कम हो, इन दोनों में से एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। और आगे देखिए आप, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 ओनली 2 एडवांसेस आर एडमिशेबल अंडर दिस पैराग्राफ। जी हाँ, जब कोविड आया था उस समय ये वाला ऑप्शन दिया गया था। पहले जो है शुरू में कोविड आने के समय पे केवल एक ही बार ऑप्शन मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा से दो बार ये ऑप्शन कर दिया गया। जी हाँ, इसमें जो है हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि इसमें हम अपना नियोक्ता वाला भी अंश निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन है। जैसे कि हमारा 1 लाख रुपया टोटल हमारा कर्मचारी और नियोक्ता वाले अंश में है, और 50,000 रुपये हमारा कर्मचारी वाले अंश में है, वो तो हम इलनेस वगैरह ऑप्शन वाले से निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर वाला जो ऑप्शन है, उस एम्प्लॉयर वाला जो हमारा पैसा है उसको हम कैसे निकालें, तो उसको जो है इस वाले ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। इसमें भी नियम ये है कि बेसिक जो है हमारा 3 मंथ का बेसिक प्लस डीए, और 75% जो है हमारा टोटल पीएफ बैलेंस, मतलब कि नियोक्ता और कर्मचारी का टोटल पीएफ बैलेंस जो है उसका 75%, इनमें से जो भी कम होगा वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडवांस फॉर कंटिन्यूअस एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ। मतलब कि 1 महीने से ज़्यादा रोजगार ना होने की दशा में हम इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास जो हम निकाल सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहली जो है हमारा रूल है, इसमें डेट ऑफ एग्जिट, उसमें हमें पहले अपनी फीड करानी होगी, मतलब कि या खुद ही फीड करनी होगी, पहले हमें डेट ऑफ एग्जिट फीड करनी होगी। उसके बाद जो हम अपना टोटल पीएफ बैलेंस का जो है 75% जो है निकाल सकते हैं, और जो हमारा 25% रह जाएगा वो हम अगर आगे कहीं अलग किसी कंपनी वगैरह में एस्टेब्लिशमेंट में नौकरी करते हैं तो उसी में जो है हमारा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि पीएफ जो है हम किस किस ऑप्शन से कितना कितना निकाल सकते हैं, और किस ऑप्शन से हम
एम्प्लॉयर का शेयर सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो एम्प्लॉयर का शेयर हम सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं, वो ऑप्शन है हमारा एक तो परचेज ऑफ हाउस, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और दूसरा है हमारा कोविड 19 वाले ऑप्शन से हम जो है सबसे ज़्यादा जो है अपना एम्प्लॉयर का शेयर निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।